Welcome to Times Punjab Show Golden Talks with Shipra. Yes, we are here in Smart City, Ludhiana to introduce you to the Director of Livin Healthcare Company, Mr. Dr. Kiran. So not wasting so much time, let's meet him. Hello sir, welcome to Times Punjab TV. Hello, how are you? Thank you so much. I'm very much thankful to Times Punjab for bringing me all here and entering into the city of Ludhiana. I'm feeling so happy I'm actually happy to. This is our 10th clinic in India, 10th branch in India. We have 7 branches in Maharashtra, Mumbai, and different parts of the city in cities in Maharashtra. This is our 3rd branch in Punjab, and I'm very happy that coming to this Punjab city of Punjab, Ludhiana. So you are basically a doctor. तो आप किस फील्ड से अपने आप मतलब आप अटैच्ड हैं हम कह सकते हैं कि आप उसके बारे में मेंशन कीजिए. आप यहाँ पे आए हैं वेलनेस क्लिनिक में तो आप पर्सनली किस चीज़ से अटैच्ड हैं, किसके साथ आप डील करते हैं? जी बेसिकली आई एम अ डायबिटोलॉजिस्ट. मैं डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन लास्ट 15 साल से मैं सिर्फ ओबेसिटी मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ. मैं ज़्यादातर लोगों को न्यूट्रिशनली हम ये मानते हैं कि पेशेंट लोगों का अगर न्यूट्रिशन चेंज हो जाए, डाइट चेंज हो जाए, उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, तो उसके काफ़ी सारे डिसीजेज़ में उसके चेंज हो सकते हैं, काफ़ी सारे डिसीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है. वी बेसिकली फोकस अपॉन वेट लॉस फर्स्ट. So when we say weight loss is not but only weight, it is just the fat loss what we are focusing upon. तो fat loss होने की वजह से आपको जो भी बीमारियाँ हैं, जैसे diabetes है, blood pressure है, hypertension है, heart disease वगैरह, तो ये सब बीमारियों पर control हो जाता है एक. और बाकी जो females related जो diseases जैसे infertility है, या फिर जो PCOS का problem होते हैं females में, या वजन की वजह से बहुत सारे females को जैसे बीमारियाँ नहीं होती लेकिन अदर इश्यूज़ होते हैं, लेकिन डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, या फिर शादियाँ नहीं होती हैं, तो वो सब चीज़ें जो वज़न की वजह से होती हैं, ये हम उसके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं और वो जो टैकल नहीं किए जाते, हम यहाँ पे बैठे यहाँ पे लिविन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में लिविन वेट लॉस प्रोग्राम्स में हम वो डील करते हैं. वन थिंग वी वॉन्ट टू आस्क यू, वट इज़ द मेन रीज़न डू यू फील पर्सनली दैट वाई इंडियंस आर मोर फैटी, मोर ओबीज देन अब्रॉड कंट्रीज? नहीं, ऐसा नहीं है. अब्रॉड कंट्रीज़ में भी काफ़ी सारी ओबेसिटी है. जैसे अगर यूएस में देखा जाए तो यूएस में तो 30-35% ओबेसिटी है, लेकिन इंडिया अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ ओबेसिटी, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 5% पीपल आर ओबीस, मींस बिकॉज शेयर पॉपुलेशन साइज हमारी बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से है. लेकिन पंजाब में देखा जाए तो 35% ओबेसिटी है. अब ये ओबेसिटी होती क्यों है? क्योंकि एक तो हमारा जो खाना है वो हाई कैलोरी फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, हाई डेंस हाई कैलोरी फूड, हाई फैट हाई शुगर फूड, ये बहुत ज़्यादा हो गया है. एंड द अमाउंट ऑफ सेलिब्रेशंस वी डू, वी इंडियंस आर सेलिब्रेटिंग एवरी 3rd डे, है ना. वी हैव अभी हाल ही में दिवाली हो गई, दिवाली में 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन सेलिब्रेशन ही होती हैं. दशहरा, उससे पहले दशहरा हो गया, फिर अभी क्रिसमस आ रहा है, उसके बाद फिर न्यू ईयर पार्टीज़ हैं. तो ये सिंस वी आर कल्चर, आर एथनिसिटी पीपल, वी आर हिंदू हिंदू सेलिब्रेशंस, वी आर मुस्लिम सेलिब्रेशंस, वी आर क्रिश्चियन सेलिब्रेशंस, एंड वी ऑल सेलिब्रेट टुगेदर, वी डू इट टुगेदर. एंड इसकी वजह से काफ़ी सारे फंक्शंस, पार्टीज एंड प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग होते हैं. यहाँ पे खाना बहुत हाई डेंस रिच फूड, एंड देन वी आर पीपल हु लाइक टू सर्व पीपल, राइट? सो वी सर्व फूड, गुड फूड. एंड जब आप अच्छी तरह से खाना किसी को सर्व, मेहमान को सर्व नहीं करते, तब वो अच्छा नहीं लगता. तो ये सर्व कर, अब कोई किसी को प्यार से इतना खिला रहा है तो आदमी खाता है, तो इसकी वजह से वजन ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. एंड वी इंडियंस बेसिकली फोकस ऑन स्वीट्स एंड ऑल. यस यस, अब क्या है कि फ्राइड खाना के बाद फिर बाद में स्वीट खाते हैं, और स्वीट खाने के बाद थोड़ा सा तीखा चाहिए, इसकी वजह से वापस हम फ्राइड खाते हैं. तो ये जब यह साइकिल है जिसकी वजह से खाना कभी कम नहीं हो रहा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रही है. आज अगर किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं आप, तो आपको दिखाई देगा बहुत सारी स्वीट मार्ट्स की दुकानें होती हैं, जहाँ पर बहुत सारे मिठाइयाँ बनती हैं, बहुत सारे तीखे ये बलते हैं. तो ये खाते 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 हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारा वेस्ट लाइन जो है वो जो ग्लोब की तरह हो गया है. So one thing, last we want to ask you, you are basically from Mumbai and now you are in Ludhiana here, and you said earlier that 35% of Punjabis are obese. So what type of message do you want to give to Ludhianvis, or we can say to Punjabis, ki obesity ko wo kaise control kar sakte hain? Dekhi, agar Punjabi bole to ghee. Ghee ho gaya, lassi. Unko ghee stop kar dena chahiye. Ghee ho gaya, lassi ho gayi, right? Aur lassi. और ये सब हाई रिच
हाई कैलोरी फूड है. डोंट यू थिंक लस्सी इज अ फैट बर्नर? वी हर्ड दैट लस्सी इज अ फैट. नहीं, लस्सी नहीं, लस्सी लस्सी जो बटर मिल्क है वो फैट बर्नर हो जाता है. बटर मिल्क और लस्सी में थोड़ा फर्क है. हाँ, बटर मिल्क थोड़ा थिन है, उसमें फैट नहीं है ज़्यादा, लेकिन बटर मिल्क लस्सी जो है, जो लस्सी उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है. तो वो फैट है, घी है जिसमें ज़्यादा फैट है, तो ये फैट और ये घी और ये थोड़ा कम किया जाए, क्वांटिटी खाने की कम हो जाए, तो उसमें से फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. एंड दिस इज द स्पेशल मैसेज डू यू वांट टू गिव टू पंजाबीज और एनी अदर मैसेज डू यू वांट टू गिव? या यू नो एज फार एज मैसेज इज कंसर्न, वेन वी से डाइट मॉडिफिकेशन या डाइट चेंज जो करना है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि कम खाना नहीं खाना है, क्वांटिटी कम नहीं करनी है. क्वांटिटी जो कम करना है वो है तेल कम करना है, घी कम करनी है, शक्कर कम करना है, ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी वो कम करनी है, और मिल्क प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट्स में जहाँ से आपको ज़्यादा तेल मिलता है, घी मिलती है, या फिर जैसे घी, जैसे मैंने अभी घी कहा, तो मक्खन है, ये जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा हाई कैलोरी है वो आपको कम करनी है, स्वीट्स आपको कम करना है. तो ये सब आप चीज़ कम करते हैं तो आपका वज़न आहिस्ता 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 कम हो जाएगा. वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज ना करें, वॉकिंग सिर्फ करें. एक्सरसाइज से वज़न ज़्यादा कम नहीं होता. एक्सरसाइज या फिर जो भी जिम है या फिर फुटबॉल है, टेनिस है, क्रिकेट है, ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ये स्लिम लोगों के लिए है या ओवरवेट लोगों के लिए, जिसको सिर्फ फिटनेस या एंटरटेनमेंट के लिए खुद को अच्छा लगता है इसकी वजह से कर रहे हैं. लेकिन आपका वज़न ज़्यादा है तो पहले आप वॉकिंग करें, ये एक्सरसाइज ना करें. वॉकिंग जैसे करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, तो आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा. तो आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम होने के बाद फिर उपरांत फिर ये एक्सरसाइज आप करें. बाकी जो भी आपको एक्सरसाइज पसंद है, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, या जो भी हो, वो एक्सरसाइज फिर बाद में आप खेलें, फिर आपको हल्कापन महसूस होगा और आपका वेट मेंटेन भी रहेगा, फिर आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है. ये चीज़ें दो हैं. अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वज़न कम करने के लिए बाकी सारे चीज़ें जो अवेलेबल मार्केट में है, चाहे वो नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो. जैसे इंटरनेशनल लेवल्स में काफ़ी सारी दवाइयाँ आ जाती हैं, हर्बल दवाइयाँ हों, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हों, या फिर किसी ब्रांड का कोई प्रोटीन सप्लीमेंट हो, कुछ सप्लीमेंट हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी लेनी नहीं है, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है. और ये लेने के बाद किडनी प्रॉब्लम और लीवर प्रॉब्लम्स वगैरह, ये सब प्रॉब्लम्स काफ़ी कम उम्र में हो जाती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है. एक्सेस वेट है तो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो फिर हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाता है, नीज के ऊपर प्रेशर आ जाता है. तो ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स चीज़ें होने के बावजूद भी हमारे पास सिंपल सॉल्यूशंस हैं, जिसमें हम डाइट, घर का खाना एंड वॉकिंग, ये दोनों चीज़ें आप घर पर कर सकती हैं. घर पर करने के बाद आपको तुरंत ही रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं. इसके ऊपर फोकस रखिए, यू विल बी हैप्पी. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम. तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर किरण, जिनकी तरफ से बहुत ही अपीलिंग से मैसेजेस मिले, स्पेशली फॉर पंजाबीज कि अवॉइड घी, ऑयल एंड फ्राइड आइटम स्पेशली. तो एक मैसेज उनकी तरफ से हमें बहुत ही अच्छा मिला, जो पंजाबीज को डेफिनेटली बहुत ही मोटिवेट करने वाला है, कि वॉकिंग को फोकस कीजिए, आप एक डेली रूटीन में शामिल कीजिए कि आपने वॉक ज़रूर करनी है, अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 minutes. तो होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके. हमने भी शेयर किए उनसे कुछ बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स. थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ, शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी.